देश की आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया, जिसके कारण उनकी आज भी बहुत आलोचना की जाती है। इस बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में मुंबई में जो अगस्त क्रांति भाषण दिया, उसमें अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने खिलाफत के संघर्ष में केवल इसलिए सहयोग दिया कि मुझे अपने पड़ोसी के प्रति, जिसे मैंने मुसीबत में पाया, अपना कर्तव्य निभाना था। लेकिन लोग आज भी उनकी बात को गलत ठहराना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज को लोग राजनीतिक चश्मे से देखना चाहते हैं। हुआ यह था कि तुर्क में जो खिलाफ वंश की परंपरा थी, उसे युवा तुर्कों ने तोड़ दिया, भंग कर दिया, जिसके विरोध में भारत में भी प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी को लगा कि इस विषय पर हमें मुसलमानों का सहयोग करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन मुसलमान भी ये वचन दे कि वे गाय का बलि देना बंद कर देंगे। गांधी जी को यह बात, यह सौदेबाजी पसंद नहीं आई। उन्होंने उन्हें लगा कि यह शोभाजनक नहीं है। लोगों को समझाया। 1920 की यह घटना है खिलाफत आंदोलन की, और लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर के देश की आजादी में लग गए। इस विषय में गांधी जी ने 1942 के अपने भाषण में कहा, एक ईमानदार आदमी एक अच्छे पड़ोसी और सच्चे दोस्त के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं मुसलमानों की इस घड़ी में उनका साथ दूं। उनका यह स्पष्टीकरण लोगों को समझ में आया और लोग देश की आजादी के लिए करो या मरो के लिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जुट गए और देश को आजाद करा लिया। इस आंदोलन का यह प्रभाव था कि आज हम आजाद हो गए हैं।